गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रौनक ऑन रोड। बहुत सारी कठिनाइयों के बाद फाइनली हम लोग काठमांडू पहुंचे। तो इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग काठमांडू कैसे पहुंचे। दोस्तों, काठमांडू पहुंचने में किन किन तकलीफों का हमने सामना करना पड़ा, और अगर आप नेपाल आते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको साथ में रखनी पड़ेगी, अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा, और किस रास्ते से आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। तो रात में रास्ते बंद हो जाते हैं, जंगल का पहाड़ी था, घाटी था, लेकिन हम लोग आए। तो क्या क्या परेशानियों का सामना करें, चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। मिलिए इनसे। हाय दोस्तों, अभी हम नेपाल के लिए निकल रहे हैं। नेपाल का हम लोग का आज जो टीम है नेपाल के लिए निकल रहा है, और अब हम आपको नेपाल की यात्रा कराएंगे और दिखाएंगे आपको कि नेपाल कैसा है, कितना खूबसूरत है जैसा आपने सुना है। नेपाल के बारे में बताएंगे, वहाँ के गांव कैसे होते हैं, वहाँ के शहर कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको अपने इस एपिसोड में दिखाऊंगा। तो मित्रों, अभी हम लोग बिहार के मधुबनी जिला के जयनगर रेलवे स्टेशन के पास में खड़े हैं। हम लोग की यात्रा शुरू होगी जयनगर का जो नियरेस्ट बॉर्डर है वहीं से, और मेरे मित्र भी हैं सुशांत सिंह, इनसे देखिए, इनसे भी कुछ बताएंगे ये आपको। हेलो दोस्तों, हम लोग अभी नेपाल के बॉर्डर पे हैं। यहाँ जयनगर बहुत ही अच्छा और शांत जगह है। यहाँ सबसे अच्छा यहाँ का लैंग्वेज है, तो मिथिला लैंग्वेज में यहाँ लोग बात जो करते सुन के बहुत ही मन खुश हो जाता है। मधुर जो यहाँ का लैंग्वेज है, जो सुन के मन खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है यहाँ। बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है यहाँ का लैंग्वेज सुन के, क्योंकि हम लोग बिहार भोजपुर से हैं, और भोजपुरी भी बहुत अपने आप में एक अच्छी भाषा है। वैसे मिथिला की भी भाषा आप सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मिथिला में लिखा हुआ है, अहक यात्रा मंगलमय हो, मतलब आपका यात्रा मंगलमय हो। बहुत ही खूबसूरत भाषा है यहाँ का। दोस्तों, हम लोग जो है नेपाल का जो बॉर्डर है मानर, जो यहाँ से सटे हुए है जयनगर से, मानर बॉर्डर से हम लोग एंट्री करेंगे नेपाल में, और हम आपको आज बहुत ही अच्छे और खूबसूरत दृश्य दिखाएंगे जो शायद आपने कहीं देखा ना हो, और नेपाल के बारे में भी आपको बताएंगे। नेपाल में भी बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं, तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। और आप सभी से एक और निवेदन है दोस्तों, कि आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए जो मेरा ये एपिसोड है, और एक निवेदन और है कि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपको जो जानकारी देंगे अपने चैनल के माध्यम से, शायद आपको कोई ना दे पाए, गांव हो या शहर हो, कोई भी हो, वहां की हम बहुत ही अच्छी और प्यारी जानकारी आपको देंगे, बहुत ही रोचक जानकारियां देंगे। चलिए, तो बने रहिए आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल रौनक ऑन रोड पे, और अभी हम ये आपको नेपाल लेके चलते हैं। धन्यवाद मित्रों। लेफ्ट साइड में इनका ढाबा है, बहुत ही देवी कॉलेज से 50 मीटर आगे बहुत ही सुंदर खाना खिलाते हैं और स्वादिष्ट, और नॉनवेज भी इनका बेहतरीन होता है, चाहे चिकन मटन या अंडा कड़ी कुछ भी खाइए। और आज तो हम लोग का सादा खाने का प्लान था, तो हम दिखा रहे हैं आपको कि ये चावल दाल बजका भी है, मुजिया है, और सब्जी और पापड़ साथ में, ये चोखा भी आप, और चोखा भी आ गया, देखिए ये चोखा भी है। तो बहुत बेहतरीन खाना खिला रहे हैं हम लोग को, और बहुत प्यार से। प्लेट लो। दोस्तों, अभी हम लोग मानर बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, मानर क्रॉस करेंगे, और अब मैं आपको दिखाता हूं कि नेपाल के गांव कैसे होते हैं। ये नेपाल के गांव हैं जो कि जयनगर से सटे हुए हैं।
ये विलेज है नेपाल का। वैसे तो नेपाल पूरे हिमालय के ऊपर बसा हुआ है, लेकिन ये गांव का एरिया है जो बिहार से सटा हुआ है, उसकी छवि मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, लगता है कि नहीं, हाँ हम लोग फॉरेन में घूम रहे हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ का सोसाइटी है थोड़ा बहुत चेंज है, अच्छा लग रहा है। और हम बहुत खुश हैं कि हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सारे मेरे फ्रेंड्स लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो सो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। तो शिवशांत जी हमारे जो मित्र हैं बहुत खुश हैं और बहुत खुश नजर आ रहे हैं, और क्या बताएं, बहुत ही इनको खुशी हो रही है, खुशी का ठिकाना नहीं है, विदेश घूमने जा रहे हैं। जो और ये हमारे यशवर्धन साहब जो है ये भी कुछ बताएंगे, तो हमेशा आते जाते रहते, घूमते रहते हैं। आते आते तो नेपाल एक्चुअली सीनिक ब्यूटी यहाँ पे है और हिमालयन कंट्री है, वैसा आप जानते ही हैं, और यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ विजिट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग काठमांडू का प्लान ट्रेवल किए, रास्ते में मनोकामना मंदिर, ढल के और भी बहुत सारे प्लेसेस जो बहुत ही टूरिस्ट के पशुपतिनाथ बाबा का हम लोग जो मंदिर है, हिंदू धर्म और महादेव की कृपा से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पाइवोटल श्राइन है, जहाँ हर लोग जाते हैं, पूरे दुनिया से लोग आते हैं। और आज हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज हम लोग का बहुत दिन से चल रहा था कि हम लोग प्लान ट्रेवल करें, आज उसको हम लोग ने फाइनली आज हम लोग ने जाने का फैसला किया और महादेव की कृपा से आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं और हम लोग दर्शन करेंगे। एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय, जय बाबा भोलेनाथ, आपके नगरी में हम लोग पधार रहे हैं। ऐसे और ऐसे बहुत ही भगवान का दर्शन करना हो तो हम भी एक संत है, शिव संत है, शंकर के रूप में दूसरा रूप का मेरा दूसरा रूप मेरा शंकर का ही है। और शिव यहाँ इनका भी आप दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए, जय हो बाबा की। चलिए दोस्तों, तो इस एपिसोड में हम आपको दिखाते हैं कि हम लोग पहुँच रहे हैं, अभी काठमांडू के लिए निकले हैं। सुबह हम लोग मॉर्निंग में पहुँचेंगे काठमांडू, क्योंकि हम लोग को जयनगर में थोड़ा लेट हो गया, वहाँ पे हमारे मित्र का कुछ काम था जिसके वजह से हम लोग को थोड़ा लेट हो गया। बहुत ही अच्छी और रोचक जानकारियां मैं दूंगा आपको। और ये तो शुरुआत है हमारी, हालांकि कुछ वीडियो और जो सब्सक्राइबर हुए हैं सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जो आप लोग मेरा इतना चैनल देख रहे हैं और मेरा आवर्स बढ़ा रहे हैं आप लोग, तो इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस एपिसोड में हम आपको दिखाते हैं कि हम लोग काठमांडू कैसे पहुंचते हैं, कितना कष्ट होता है, एक्सप्लोर करना है और सारे प्लेसेस जो टूरिस्ट के लिए बने हैं, जहां आप लोग को जाना चाहिए जो भी आते हैं, वो सारे चीजों से आपको हम लोग एक्वेंटेड कराएंगे, ताकि काठमांडू आए आपको किसी तरह की इनकन्वीनियंस नहीं, और आपको जो भी रास्ता में कर परेशानियां हो रही वो भी मैं आपको बताऊंगा। भंसार कटाने में हम लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किल हुआ दोस्तों, मैं क्या बताऊं, भंसार कटाने में पसीने छूट गए। वो तो हमारे मित्र शिवशांत जी हैं, इनके कुछ मित्रगण थे यहाँ पे, जिसके वजह से हम लोग इंटर कर पाए। SSB में इनके कुछ फ्रेंड है जिन्होंने हम लोग को एंट्री दिला दिया। हाँ, और हालांकि मैं आप लोग को भी ये सजेस्ट करूंगा कि मित्रों, जब भी आप आओ नेपाल, अगर आपको आना है तो नेपाल के लिए सबसे जरूरी है आपको कि पेपर गाड़ी का कंप्लीट रखिए। और भंसार का जो रेट है आपको मैं बता दूं कि आप जब भी आइए तो एक दिन का नेपाली रुपया आपको लगता है 500 रुपया। तो हम लोग 4-5 दिन का ट्रिप है, तो वही हम लोग का 5 दिन का 2500 रुपया होता है, जो कि 1600 इंडियन रुपीज होता है, वो हमने जमा किया। और मित्रों, गाड़ी का पेपर क्या क्या लेना है मैं ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास RC की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। अगर आपके पास RC की ओरिजिनल कॉपी नहीं है
तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। इंश्योरेंस की कॉपी होनी जरूरी है, पॉल्यूशन साथ में होना चाहिए और ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप नेपाल का जब भी ट्रिप बनाइए डॉक्यूमेंट के साथ में बनाइए। अभी हम लोग देखिए आगे आपको रात्रि 9 बजे के बाद पास नहीं मिलेगा मित्रों, ये ध्यान रखना है आप लोग को कि रात को 9 बजे के बाद आपको कोई एंट्री पास नहीं बन पाएगा मानर बॉर्डर से। बाकी बॉर्डर पे बनते हैं, कहीं कहीं 10-11 बजे तक भी बनता है, लेकिन मानर से नहीं बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ और क्या दिक्कत परेशानी हो रही है। एक तो रास्ते में दिक्कत हो गया था, हमारा टायर पंचर हो गया जिसको हमने अभी बनाया है, बनवा लिया हमने टायर, वो भी मैं आपको बताऊंगा कितना मुश्किल से टायर बनवाया, पंचर वाला नहीं मिल रहा था, बहुत दिक्कत हो गई थी। दोस्तों इस एपिसोड में आपको मैं यहीं तक दिखा पाऊंगा, आगे का मैं जो जर्नी है मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाता हूं। अभी आगे का जो यात्रा है मित्रों, आप देखिए किस तरीके से घाटी में हम लोग को जाना है। आप इसमें देख सकते हैं इसी घाटी को क्रॉस करना है हम लोग को।